रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी शुरू होगा गैं फक मैन। पीपी बहुत गंदी तरह की है, जिसने भी किया। सुबह सुबह मतलब just tell whoever it is। ये वॉशरूम किसने यूज किया? और there's all pee on the okay, if one of you guys have done, just clean it please, it's very gross because women also use that. Yeah, I always clean, right? You think I won't? I'm just telling, okay, because हम चार ही थे। फिर से तो शुरू कर रहा है सुबह सुबह। कल वो सुबह हुआ था, आज ये सुबह हो रहा है। करण, आई थिंक अपने को क्या करना चाहिए पता है? लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट अलग ही करना चाहिए। शिवम यार, अभी वो अंदर वाला वॉशरूम तो एक ही है। मुद्दा इसका मत बनाना। मैं खाली बोल रहा हूँ, हम चार थे। हाँ, मैंने नहीं किया, तूने नहीं किया, ये चौथी बार हो गया। हाँ, तो ठीक है। एक हफ्ते में, एक महीने में, दूसरे हफ्ते में चौथी बार हो गया। अंदर वाले वॉशरूम में भी तो ये था, तो पिछली बार, तो खुद ही किया इसने। ऐसे तेरा अगर उठेगा नहीं, गिरेगा और बर्बाद होगा। क्या गिरेगा तेरा ग्राफ? तू अपने ना पहले एक बार वॉशरूम सुसु करना सीख, समझा? पहले ये छोटी छोटी बच्चों की सारी चीजें ना जो आठवीं क्लास में सिखाई जाती है वो तो करनी सीख। बेवकूफ इंसान, गंदगी वहां पे अंदर, लेडीज एक अंदर इमरजेंसी वॉशरूम है, उस पर भी तेरे को दिक्कत होती है। यहाँ पे तेरे को भी, यहाँ पे भी तेरी गंदगी साफ करे, वो उसने ठेका नहीं रखा तेरा? जाके पूछ के आई हो, पूछ के क्या? कैमरा मैन से ये भगवान की तरह घटिया आदमी है। मतलब सुसु करना बेसिक मैनर है ये भाई, ऐसे सुसु करते हैं। खड़ा हो, साफ कर उसके, चल खड़ा हो। बाहर ना झगड़ा हो रहा है, उठ के भगवान का नाम लेते हैं, शांति से बैठते हैं, पता नहीं झगड़े झगड़े उठते चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, तेरे से ज्यादा मैनर्स है मुझमें, ज्यादा एथिक्स है मुझमें, तो वैसे भी तेरे से कंपेयर क्यों करूं मैं? एक बताइए, बॉर्ड मास की फुटो बताइए, बॉर्ड मास का पढ़ा लिखा है ना, बॉर्ड मास की फुटो बता। ब्रैकेट्स ऑफ मास डिवीजन, क्या 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 ब्रैकेट ऑफ मास, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ब्रैकेट ऑफ मास, और कौन है वही तीन चार लोग तो झगड़ते रहे? शिवम, केवी, पायल। पायल की तो बात नहीं, झगड़ा हो रहा है और ये लोग तीनों नहीं घुसे, ऐसे हो सकता है? बेसिक मैथमेटिक्स आठवीं क्लास वाली, ब्रैकेट ऑफ मार, मंगल ग्रह का मार देख लो उसका, क्या आदमी डिजाइन बनाते हैं जो लोग दिल्ली में, तू वो कैटेगरी है, वो तेरा सुसु साफ कर रहे हैं यहाँ पे। ऑनेस्टली मस्ट वॉश द वॉशरूम, दे वॉलंटियर्ड आल्सो फॉर आई डोंट नो। अभी तो जाएगा अंदर और नहीं अंदर तेरी सिगरेट, सुन सिगरेट पीने जाएगा, बंदूक है उसको, सिर्फ डायरेक्शन लेनी है। अग्रेशन को रीडायरेक्शन दो, अग्रेशन को रीडायरेक्शन नहीं, मैं सुसु को डायरेक्शन दो, फिर अग्रेशन को जेल लाके बोलेगा रीडायरेक्शन दो। अबे ब्रैकेट ऑफ मास, मैंने क्या सुन लिया? पर अभी ऑरेंज टीम ब्लू टीम कर ही नहीं सकते, बिकॉज आधे इधर है आधे उधर है, तो मैंने और निशा ने ही साफ किया था, तो मैं भी करती रहती हूं।
तो मैं भी कर ही रही हूँ ना। माय पॉइंट इज सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली हो रही है बाहर? मैंने कर दिया था, खत्म हो गया। ओके कितना बदतमीज बेशरम आदमी, बेच का शर्म आया। मेरे को हंसी आ रही है। मैं कभी सुबह उठ के लड़ता हूँ बाबा, सुबह उठते मैं ओम नमो भगवते वासुदेवा मेरा चलता है। डोंट एक ओवरडो इट मैन, ओवरडो नहीं बाबा, बेसिक बेसिक एटिकेट्स। आई एग्री, आई एग्री। आप लड़कियां रहती हैं यहां पे, लड़कियां रह रही हैं लड़कियों के साथ, आपको इतना नहीं पता, आप सुसु करना नहीं आता आपको। इसके बाद आई एग्री बेसिक एटिकेट्स, इसके बाद इतना बिल्कुल बाबा दुखती रह गई मेरी तो गंदगी। ओसीडी मेरे पापा को, तो ओसीडी मेरे को पापा से ही है ओसीडी। ठीक है मानते हैं, ओके नहीं है, सफाई जरूरत नहीं है, हम कमर में जैसे चमका के जितनी शक्ल तेरी सूरत है ना उससे ज्यादा चमकना चाहिए वॉशरूम, पहले बता रहा हूँ मैं। पता है सिद्धार्थ क्या कर रहा है, शिवम क्या कर रहा है? अभी आ रही हूँ, एक मिनट जी। शिवम है ना जानबूझ के सिद्धार्थ को अटैक कर रहा है, तो सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाए और वो टास्क में कंसंट्रेट नहीं कर पाए। और ये मुनव्वर की स्ट्रेटजी भी हो सकती है, मुनव्वर की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि अभी वहाँ पे अली बैठा था, सिद्धार्थ बैठा था, केवी बैठा था, सारा ने आके बोला किसी ने सुसु करिए, ये करिए, वो करिए, तो आप एक जने को तो बोल नहीं सकते, आपको पता नहीं है। आपने देखा है, कैसे ले सकते हो कि सिद्धार्थ तुमने ही किया है? अगर सिद्धार्थ ने पहले कभी इमरजेंसी बाथरूम में किया है तो वो सिद्धार्थ ने तभी किया है, मगर आज उसने किया नहीं किया तुम कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो तुम जानबूझ के सिद्धार्थ को अटैक कर रहे हो, मतलब तुम उसके दिमाग को अटैक करना चाहते हो, टास्क में तुम जीत जाओ, सिद्धार्थ को डम बना दो। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना मुनव्वर का, बहुत घटिया थॉट प्रोसेस है। ऑफ कोर्स है, बहुत घटिया थॉट प्रोसेस। उनकी गेम है सामने वाले का मानसिक संतुलन। We have to make like a dedicated sign language. ठीक है, we'll figure. क्या समझो? मुन्ना के लिए एक नाम या साइन इसके लिए. समझो, I do this which means you know मुन्ना उसका भी. I do this which means you know समझ उसका भी. इसे आज बना. Secret task है तब तो पक्का बनाना चाहिए ये. ठीक है. Sorry, I was so nasty. It's okay. Yeah, but हम एक ही जेल में हैं. I don't want to do. मतलब मेरे टीम में भी यू हैव फ्रेंड्स, वी हैव हैड अ फ्रेंडशिप, सो आई डोंट वांट इट टू बी ऑकवर्ड स्पेशली फॉर यू आल्सो। कि जब तू आ बैठे तो थोड़ा हैवी हार्ट के साथ ना बैठेगा, अरे क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, बी कंफर्टेबल वेयर एवर यू आर। थैंक यू फॉर दैट, प्लीज शेयर कर ले। ऐसा कुछ नहीं, यानी मन में कुछ भी अगर बोलना हो, ऐसा रह गया हो या कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज बेटर क्लियर इट आउट। वो बात बस मैंने मुनव्वर से शेयर की थी, जस्ट बहुत नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से बाहर आई। आई ऑल्सो शॉक, कोई नहीं, खत्म हो गई बात। न्यू डे न्यू लाइफ, डन। मेरे को तो निकल वापस प्रभु के उसका फादर के नाम लेकर। मैंने उसको पापा को मुझसे क्या लेना, एक बात बताओ। अगर सुन, व्हाट मैं तेरे को बता, सुन एक सेकंड, सुन वन सेकंड। ऐसा थोड़ी होता है क्या, तो कभी सुनेगा या बोलता ही रहेगा? आप बोलो पहले, आपकी सुनता हूं मैं, बोलो। मैंने तेरे को वहाँ पर क्या बोला, यू वॉन्ट टू से नो व्हेन टू स्टॉप, वन। ठीक है। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट डोंट इवन इतना सा भी फादर को बीच में मत ले। आप गलत बोल रहे हो, अच्छा बता फिर बता। किसी को मैंने बच्चा बोल दिया तो मेरा उसके बाप हो गया? सुन, मैंने किसी को बोला मेरे बेटे, इट इज अ वेरी इमोशनल पॉइंट, understand that. बाकी तेरे को जो तो मैं इसको बोलूँगा, मेरे छोटा ठीक है कि इसमें भी मैं पिताजी बन गया, मैं ध्यान रखूंगा, बट मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना जो निजी मेरे जीवन है ना, मेरे पुरानी जो मेरे शो देखोगे तो मेरे मुझे मैं सबको बच्चा ही बुला रहा हूँ अपना। इट इज इवॉल्विंग, जो वीडियो डायरीज होती है ना उसको कभी सुनना। इट इज इवॉल्विंग, ऐसे बार बार के लोगों को पीटता हूँ, यहाँ चौकड़ी मार के बैठ, यहाँ पे चौकड़ी मार के बिठा के बैठ, ये यहाँ इसको बत्ती बना और अपने पीछे डाल ले, समझा? हाँ बुम्बा, अभी देखो यहाँ चौकड़ी मार के बैठा कर, ऐसे लोगों ने यहाँ पे चौकड़ी मार के तेल मालिश तेल ले गया, तेल लेके जब बादाम का तेल लेके और नारियल का तेल मत ले गया, ये क्यों कर रहा है? तू उसके ट्रैप में गिर रहा है। देखो टास्क जीतना है कि नहीं जीतना, देखो बाथरूम जीतना है, बाथरूम जीतना है कि नहीं जीतना, देखो शो जीतना है। क्या कह रहे हैं? हां क्या, इधर चौकड़ी मार के बैठ पहले पिताजी के सामने, इधर यहां पे, यहां पे, यहां पे, अगेन ही यूज द वर्ड पिताजी, दिस इज नॉट राइट, सिद्धार्थ नो, व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड पिताजी? नहीं नहीं, व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड पिताजी? यू आर सो चीप। मैं मुझसे निकल गया, ठीक है नहीं, दिस इज सो बैड, तरीके से मुझसे बात ना करें फिर, आई एम सो सॉरी, मैं फिर मुझसे निकल गया, मैं रिफ्लेक्स है यार, मैं दिल में मुझसे निकल जाती चीजें।
किसी को क्यों बार बार प्रोवोक कर रहे हो यार? ये ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे नहीं कर रहा है कल से, गलत है ना? मैंने तो इसीलिए कि गटर के पास क्या जाना, बास ही आएगी। लीव तो गले तेरा तो मोर बना के दिल्ली के लाल किले से उड़ा दूंगा मैं। अपना वर्कआउट कर, चल जा। जब पूरा भय हो जाए तब बात करियो मुझसे। हवा नहीं, हवा ठीक है। डोंट टेल मी थिंग्स दैट यू कांट डू, टेल मी थिंग्स दैट यू कैन डू, सिंपल इज दैट। दिस इज रॉन्ग यार, सुबह से उसके पीछे पड़ा है यार। केवी वी विटनेस है, आई विल टॉक टू हिम। मैं केवी को बोलकर आ रहा हूं। मेरे को सेठ के लिए बुरा लग रहा है यार। वो एक ही मुद्दा उनका वो उठाते रहेंगे, और कुछ है नहीं टॉपिक उनका बोलने का। फादर फादर फादर, वो ठीक है, मेरे मुंह से गलती निकलता है, मेरा ये रिफ्लेक्स है। मेरा कोई पुराना रियलिटी शो उठा कर देख लो, मैं सबको बच्चा बेटा ही कर रहा होता हूँ। अब वो मेरे मुंह पर चढ़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? भोले शंकर मेरे को माफ़ कर दो, अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे माफ़ कर दो। मेरे मुंह से निकल जाती है वो चीज़, बट मैं क्या करूँ? जब मैं अग्रेसिव होता हूँ, रिएक्शन मेरा निकल जाता है वो। यार दिस इज रॉन्ग। सुबह गंद मचाने नहीं आए हो तुम, किसी के माँ बाप को बोलने नहीं आए हो, किसी को चप्पल मारने नहीं आए हो। ये पागल हो गया क्या? इतनी बकवास से बाहर कर लेगा? यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रहा है कि कोई हाथ नहीं उठा सकता। बाहर होता ना अभी तक धुन जाता ये मजाक से हट के। किसी को बोल रहा है चप्पल उठा के मारूंगा। पापा के बारे में बोल रहा है। बस यहाँ पे अलाउड नहीं है हाथ उठाना, वरना मैं छाटा मारती इसके जाकर। कैदियो ध्यान से सुनो, आज का शारीरिक श्रम क्या है ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जी आ गया। तुम्हारे सामने गोबर का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें भूसा मिलाकर अपने हाथों से गोबर के उपले बनाने हैं। इन उपलों के सैंपल्स तुम्हारे सामने हैं। जी। तुम्हारे पीछे हर ब्लॉक की दो दीवारें हैं और दीवारों पर कुछ सर्कल्स बने हुए हैं। जी सर। और तुम्हें उसी साइज के उपलों से इन सभी सर्कल्स को भर देना है। जो भी ब्लॉक सबसे पहले अपनी दीवार को भर देगा वो इस श्रम में जीत जाएगा। हारने वाले ब्लॉक को हफ्ते के अंत तक सारी बाथरूम ड्यूटीज उठानी पड़ेंगी। मतलब आज जीतने वाले ब्लॉक का रिवॉर्ड होगा इस हफ्ते की बाथरूम ड्यूटीज से पूरी तरह से छुटकारा। क्या बात है। याद रखना, अगर आने वाले समय में कोई भी ब्लॉक जेल का प्राइवेट बाथरूम जीत जाता है तो उस बाथरूम की देख रेख का समावेश भी इन्हीं ड्यूटीज में होगा। अंजलि और अली, क्योंकि तुम दोनों किसी भी ब्लॉक में नहीं हो, तुम्हें एक ब्लॉक चुनना होगा जिसका शारीरिक श्रम में तुम लोग हाथ बटाओगे। उसी हिसाब से उस ब्लॉक की जीत और हार का हिस्सा बनोगे। ओके, सिर्फ इस शारीरिक श्रम के लिए। अंजलि, तुम किस ब्लॉक के साथ जाना चाहोगी? ऑरेंज टीम, राइट ब्लॉक। अली, तुम साथ दोगे लेफ्ट ब्लॉक का? जी, लेगो। दोनों ब्लॉक्स में अब 6-6 कैदी हैं, जिनमें से दो गोबर और भूसा मिक्स करेंगे, दो उपले बनाएंगे और बाकी के दो कैदी उन उपलों को दीवार पर लगाएंगे। ओके, शुरू हो जाओ। चल 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 चल, दो दो लोग चुप चाप हैं, दो लोग यहाँ पे आ जाओ। आप इधर, आप बनाएं। नहीं नहीं, इधर लेके आएंगे ये बनाने के लिए। बता दो कैसे बनाते हैं, आप बना लो मेरे साथ। भूसे ले आओ, 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 भूसा दो जाने। इधर आ जाओ जी, लीव लीव दैट, जस्ट लीव दैट, नाइस, स्क्रू इट, कम ऑन। यहाँ से बाहर होगा तो वो दीवार पे चिपकेगा नहीं। शुड बी इनसाइड। मिक्स करो, मिक्स। हाँ हाँ, मिक्स करना है, मिक्स करना है। यस बबीता, ये साइज ठीक है? ये नहीं है, ऐसे
साइज देख लेना बस यही करो। थैंक यू। सर्कल के साइज का होना चाहिए आपका, बहुत बड़ा है। इसको लगाऊं थोड़ा पतला बनाइए, थोड़ा पतला बनाइए, वजन से गिर जाएगा। देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, उनको मत देखो, अपने काम पे ध्यान देंगे हम। अब धीरे से लगाओ सिद्धार्थ। नहीं सिद्धार्थ, मोटा था परफेक्ट है सारा भाई। भाई ऊपर अभी है ना, नीचे मारना शुरू करो तुम लोग, ठीक है? बहुत मोटे बन रहे हैं, गिर रहे हैं यार, ये पत्थर से बनाओ। हाँ वो वाला, वो एक नीचे, ऊपर नहीं, नीचे। हाँ नीचे गाइस, गाइस नीचे, दो लोग, दो लोग बनाएंगे, दो लोग चिपकाएंगे। नो, डोंट लिसन टू देम अप्लाई करो, अप्लाई करते निशाजी, निशाजी आप कभी मत बोलो, आप कैमरे में बोलो, हम लोग काम करते हैं, नहीं कुछ मत करो, हम फोकस गाइस, आप मत बोलो उनको, फोकस 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 ना निशा, दिस इज नॉट हेल्पिंग ना, टू पीपल आर मेकिंग, टू पीपल आर मेकिंग, आप लोग बोलो, वो क्लियर बोलिए उनको। भाई आप लोग उनकी बातों में उलझ रहे, धीरे से लगाओ, धीरे से लगाओ सिद्धार्थ। हाँ सौ है ना, हाँ बट वो गिरना नहीं चाहिए, बस बस अभी बस देखो, बोल धीरे, पतला बना दो बबीता जी, गिर रहा है। अली भाई, अली भाई सुनो, हाँ पूनम और शिवम ही चिपकाएंगे कॉल पर, ठीक है? पूनम और शिवम ही चिपकाएंगे, शिवम बस तू और पूनम ही चिपकाएंगे, दो जन चिपकाएं, दो लोग बना। नहीं मैं, मेरे को मालूम है कैसे चिपकाएंगे, टेंशन मत लीजिए, धीरे से लगाओ सिद्धार्थ, धीरे बस, क्यों लगाते हो, धीरे से लगाओ ना, एक बार क्या चिपक गया, खत्म, आ जा आ जा, ये ले बस। हाँ बट वो खाली सेंटर में चाहिए प्रॉपर। देखो 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 क्या कर रहे हो आप, पतला बनाओ ना, मैं कह रही हूँ बबीता, आप सुनो मेरी बात ना, आराम से, जल्दी गिरेगा, मुझे कोई बात नहीं, देखो डिफरेंसेस नहीं बबीता, यू हैव टू लिसन टू मी प्लीज, यू हैव टू लिसन टू मी, आप बनाते मुझे तो गीला गीला चिपकेगा बस। देखिए परफेक्ट है, ऐसा आया है तो ही चिपका, देख वहां इसको मिक्स करो, बहुत ड्राई है ये, भी नहीं रहने वाले, ये गिरेगा। आप मैं इसको पानी में, इसको मैं थोड़ा गोबर और डाल, बस बस एक जना लगाएगा, एक जना, एक मिनट बबीता जी आप लगाओ, तीन लोग बना रहे, बबीता जी आप लगाओ, बस हम मिक्स कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, दो मिक्स कर रहे हैं, दो लगा रहे हैं, करने दो, करने दो, करने दो, खत्म कर उसको, जल्दी खत्म कर, उठा उठा यहाँ से आगे, अली बाबा गोल गोल कर, ये ले ले, इनको सिर्फ गोल गोल कर, इनको सिर्फ गोल गोल कर, भाई भाई जल्दी, भाई जल्दी, गोल गोल कर, जल्दी जल्दी, नहीं जरूरत थी, मैं उसको रोक लेता पूरी जिंदगी नहीं आ पाती, तुम करोगे नहीं करोगे, तुम नहीं, केवी भाई, केवी भाई क्यों किए वो, क्या अरे यहाँ हो गया था कंप्लीट, मैंने पाया रोक लिया था, केवी ने जाके चल 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 लगा लगा, और गिराओ कंप्लीट करते, गिरा दो, गिरा दो, चलो बड़ा 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 से
तीन बार चेंज किया हम लोगों ने, तीन बार पूरा हम कर चुके हैं। ये नोबडी इज डूइंग दैट, नोबडी हैप्पी लगा मेरे हाथ में। इधर मत आ, ये एरिया में मत आ, ये एरिया में मत आ, ये एरिया में मत आ। नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस मेरे एरिया में मत आ। वेट वेट नाउ लेट हिम से The cheating was seen out and I was drawing Munawar, I have a right to draw. You have the right to, they do it all the time. मैंने पहले break नहीं किया था, मैंने पहले उनका बड़ा provoke किया था। बहुत प्रभु बबीता जी, आप provoke करोगे, आप प्रवोक कर रहे हैं बबीता जी, बबीता जी आपने प्रवोक किया, ये खुद बोलती है। आपने पहले थोड़ा तोड़ा, आपने भी ना तोड़े नहीं, बाद में तोड़ा, तोड़ा बाद में तोड़ा, बस बस देखो ठीक है, बस ठीक है, एक्सेप्ट करो। किसने तोड़ा? आपने भी तोड़ा। डिस्क्वालीफाई कौन हुआ? प्लीज सारा यूपी पर लेट देम टॉक। एक सेकंड प्लीज, आप बोलिए। कह दियो अपने मास्क पर खड़े हो जाओ। करने दो, कोई नहीं, उनका तो उपला भी गिरा हुआ है, एक उपला ही नहीं है। We guys want to try to provoke. It's a task. We guys main normal life mein provoke nahi karta. Todna is not allowed. Pehle humne kiya the. Unhone kaha ki toda, wo camera mein hai pehle. Toda. Aadhe logon ko to pata bhi nahi kya ho raha hai. Bas sab kar rahe hain to aadhe log unke piche piche kar rahe hain. Humne kiya to sab karne lage. Haan. Wahi na same wali baat, matka andar ka to ye bhi matke andar rakhe. उन लोगों का हो रहा था, तुम लोगों का तीन बाकी था, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने का ही डर था। ठीक है, हमने को टाइम मिले, मैं टाइट दो बार हमने पहले फिनिश किया, एक बार नहीं तीनों बार। जैसे ही मैं डरा रही थी ना, केवी ने आके डरा दिया। देखा मैंने, तो मैं तो डराऊंगी ना, मैं तो डराऊंगी ना। ओके चलो, कह दियो जी, बताइए, ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट काफी क्लोज था। जिस ब्लॉक ने पहले उपले दीवार पर लगाए और बाथरूम ड्यूटी से छुटकारा पाया है वो है लेफ्ट ब्लॉक। We did it first. I'm not gonna say well. Babita ji came charging. She came charging like a raging. I had to protect myself. उन्होंने क्या बोला? आप मुझे touch कर रहे हो। अगर मैं मेरे defence में अगर मैं protect नहीं करूँ अपने आप को, तो फिर मैं क्या करूँ? ये मुझे नहीं बोलना होता। I really respect Babita ji a lot. I really respect her. If you are coming charging, then don't play the woman card. Okay, that is okay. Because when I did the same thing to Nisha, I just came and I nudged. I felt bad. She felt bad. I felt bad. I said sorry. उन्होंने एक बार भी sorry नहीं बोला। Can you believe? No, you charge. You charge. You charge. लड़का हाथ से अलग भी नहीं करेगा क्या? गिर जाएगा नीचे। I'm surprised that Babita ji even she said तू मुझे touch कर। Yes, she. In fact, she came and she started doing this to me. एक्सप्लेन टू अस, आपने डिसीजन कैसे लिए? हम वीडियो देखना चाहते हैं और आपको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। आप हमें वीडियो दिखाइए, आप दो बार आपकी डिसीजन हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हमने दो बार आप हमें वीडियो दिखाइए, आपको दिखाना होगा, आप हर बार ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपने रूल्स हमें बताए। वी स्टक टू द रूल्स। हम स्त्री द्वेषी नहीं है, ये लोग पुरुष द्वेषी है। दैट्स व्हाट इट इज। रियली वांट टू टॉक लाइक दैट केवी? दिस
No. People should say sorry when they have to. For what? Because even Babita ji came charging in. Babita ji, आप कैसे आए एकदम? मतलब मुझे लगा मैं आपने भाग के आप लोगों ने तोड़ा, मैं भाग के आया हूँ, आपने आगे. बबीता जी वो सही है, आपने मुझे क्या बोला? आप मुझे टच कर रहे हो. नहीं मैंने ये नाजी में मुझे बोला, वहाँ पर आपने मुझे बोला, आप मुझे टच कर रहे हो. नाजी में क्या गलत है? चार्ज तो करते ही मैं कोई टच नहीं करना चाहिए आपने. नो शी चार्ज ऑन टू मी लाइक दिस. नो मैं भाग के दंगल, मैं भाग के आ रही हूं. आप आगे नहीं थे. नहीं मैं फिर आया, प्रोटेक्ट किया आपने आपको. जिस तरह मैंने आपको हाथ नहीं लगाया, मैं प्रोटेक्ट किया. बबीता जी आप ये नहीं कह सकते कि यू टच नहीं. आपने ये बोला कि आप मुझे टच कर रहे हो. मैंने बोला आप देख के पूछ लीजिए. मैंने ये बोला ही नहीं कि मैंने टच किया है. टच का वर्ड आपने यूज किया. आप मुझे टच कर, बोला बिल्कुल नहीं, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं अपने आपको. आई केम, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट एन अपना नारी. मैं अपने आप को फेस कर सकता हूँ. कोई घर के अंदर या जेल के अंदर कोई भी लड़की अगर मेरे पे चार्ज करेगी और मेरे को धक्का देगी तो मैं उसको डबल पावर में धक्का देने के लिए कैपेबल हूँ. मैंने आपको धक्का दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको धक्का दिया, मैं खाली चार्ज करी. धक्का आपने ऐसे नहीं दिया, बट यू वर कमिंग इनसाइड मी. किसने सबसे पहले हाथ किया? आपने सबसे पहले हाथ लगाया ना? वो आई डोंट रिमेम्बर. यस आपने पहले लगाया, फिर मैंने लगाया. मैं चार्ज कर रही थी, हाथ आपने लगाया. आई डोंट रिमेम्बर. आपने रोका, आप मेरा हाथ लगाया कुछ? मैंने ऑब्जेक्शन किया आपके ऊपर, नहीं किया. और आपने भी मुझे नहीं किया. नहीं नहीं मुझे. हां व्हाई आर वी फाइटिंग? वी वन द जो भी हो डिसीजन आ गया है. पर अभी आई वांट टू नो ऑन व्हाट बेसिस दे मेड द डिसीजन. आई जस्ट आई वांट टू नो दैट मान रहे हैं. आई एम आई कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट देयर डिसीजन. आई जस्ट वांट टू नो डिसीजन किस आधार पर उन्होंने डिसीजन पर बनाया. उतना हक है हमारा. शी इज एक्सप्लेनिंग इट टू द कैमरा. एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत किसको पड़ती है? मेरे पे भी आई थी केवी. मैंने क्या किया पता है? You know what? I pushed. I pushed. I don't care. You also did, na? Simple. ये सुनता नहीं है. आज तो ठीक था. नहीं. क्यों आज क्यों? गिर रहे थे. हम बोल रहे थे फेंक मत. वो धाड़ धाड़ मारे जा रहे गिरे जा रहे थे. और बबीता जी का थोड़ा बड़ा बन रहा था. She also took time to figure. और अंजलि ने सॉफ्टर बनाया. एंड आई फिगर्ड लेटर कि वहाँ पे ऐसे ऐसे भी पड़े थे ना, मैंने वो भी उठा के वही बोर्ड पे बनाना स्टार्ट कर दिया. हमारी टीम में क्यों होता है? पीस बबीता जी. थैंक यू. पीस. व्हेन पायल इज सेइंग समथिंग दे आल्सो हैव टू लिसन. Yeah, they have a mind of their own. क्या हो रहा था ना, बबीता जी के जो बन रहे थे वो गलत बन रहे थे. But she wasn't listening. ठीक है टास्क है यार, अभी टास्क में हो जाता है, छोड़ो. टास्क होते ही ऐसे. वो बाहर ही बैठे हैं, फुटेज देख रहे हैं. ये टास्क आ रहे हैं, लोगों को हजम ही नहीं हो रहा. हार को हजम नहीं हो रहा. मेरे को भी नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, बट It's okay. It's crazy आज हुआ. मैं तो सारा का रूप देख के. No, the thing is that मुझे ऐसा लगता है अब सच में that सारा का एक fixed opinion नहीं है. वो अपने दिमाग से नहीं सोचती है. She could get influenced by what you are thinking and what you are thinking. Now if this one is in my team then she'll incline there. You know if this one. See, ये मैंने तुझे बात बोली है पहले भी, आप भी बोलती हूँ. It's very simple. मुन्ना की कैपेसिटी टू कन्विंस इज गोल्ड. सिंपल. एंड सारा की कैपेसिटी टू गेट कन्विंस्ड इज ब्रॉन्ज. कुछ करेंगे ना? खाओ. मैं थोड़ा खा लेती हूँ, मुझे एसिडिटी. मैं कहने लग रही हूँ, आप खाओ. मेरे को एसिडिटी हो जाएगी बिल्कुल. आप और नहीं खाओगे तो मैं हाथ दिला के खिला के जाऊंगी. नहीं बट मेरे को एसिडिटी हो जाएगी इसलिए मैं खा रही हूँ. मेरा मन नहीं मान रहा है. नो बबीता. बबीता जी, बबीता जी, मेरा दिल नहीं मान रहा है. मैं खाना तभी खाऊंगी जब मेरा दिल मान जाएगा कि मैं खाने के लिए तैयार. She wants them to discuss with her the reason why they have made us the loser. Okay, fair enough, लेकिन आप खाने पे मत कीजिए ऐसा. You will get your answer. मेरा दिल नहीं मान रहा है. दिल मानेगा मैं अंदर आके खा भी लूंगी, अंदर आके रेस्ट भी कर सकती हूँ. मेरा जब दिल मानेगा मैं fair enough, करने के लिए तैयार. Fair enough, fair enough. आपकी टीम धरने पे क्यों बैठी है? उनको देखना है फुटेज. It is not a rule break. It is an not following
instruction. Haan, not following an instruction. That's a rule break. मतलब it's not written anywhere because this is a direct. But understandable है ये. Logically तो बहुत कुछ है. We just want to see the footage. रोक के बोल देंगे. उनका also we can't ask for the footage also. No, we can ask for anything. They can deny it. The answer is video not supported. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यार. प्लीज चले जाओ. कोई नहीं है, मेरा बैरक खाली है उल्टे का. नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता है, हमको पता है कि आपका टास्क है. आप प्लीज चले जाओ. डोंट टेक इट पर्सनल बट प्लीज वी डोंट वांट. मैं भी तो खड़ी हूँ. तेरा नींद आपकी कोई बात नहीं कर रहा है अंजलि. मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ. आपको मैंने बोला ही नहीं है कि आप जाओ. मैं बात उससे कर रही हूँ, आप मुझे उससे करने दो. आप मत बीच में पड़ा करो. वो सिर्फ हालचाल ही तो पूछने आई है. फाइन, वहां से भी पूछ सकती है. जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको है मुझको प्रॉब्लम. अभी मैं क्या करूं? तो तू बोल दे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बोलने दे उसको, उसका हक है. पूछो ना हालचाल. मैं तो इंसान हूं ना. मैं इंसान की मैं जो करना है वो करूंगी यार. कैदी भी कभी इंसान था. जो भी है मैं करना है करूंगी. बैडएस यार. व्हाट, आई डोंट केयर. बैडएस जेलर की सुनी नहीं है मैंने तीन तीन हफ्तों से. तो क्या मैं ये टास्क क्लास लेके बैठू यार? जो है वो मैं करूंगी. भाड़ में जाए. And you said that this is real, this is not fake, right? किसकी कसम लूं? बोल. नहीं. माँ की लूं, तेरी लूं, किसकी लूं? नहीं, अरे नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? वही बोल रही हूँ ना. You are saying that ना? Yes. बस तो फिर. I trust you. ये बिकॉज़ तू नहीं पीता टाइम से. I trust you. मैं अभी पी रहा हूँ. इतना सही दिन मैंने अभी पिया थोड़ा. थोड़ा सही दिन. तुझे थोड़ी दे रही हूँ. गोलियाँ कितने दिन की? तीन ना. क्या बात. दो कहाँ लगी बेबी? नहीं, इधर उधर मत देखो ना. फिर फिर हमारे को शक होगा. नहीं देख लो, बस शक होगा ना. ठीक है. टॉयलेट हुआ एक बार भी? नहीं, अभी भी नहीं हुआ. आई थिंक और एक मील जाएगा तो शायद. ब्रेकफास्ट में क्या था? इडली सारी खाई. ये पिया ना. पर इडली खाई सारी? दोनों खाई ना. हाँ तो अभी हो जाएगा. हो गया. आपने हालचाल पूछ लिया? अगर आपने हालचाल पूछ लिया हो तो मैं निकलूं यहां से. तो मैं चाहूंगा कि आप रूल ना तोड़ें. और ये रिक्वेस्ट है कि जा रही हूं, मेरी माँ जा रही हूं. कौन कोई बाहर छोड़ के आएगा क्या? सारा सारा ही. वुड यू लाइक टू ड्रॉप साइशा आउट? यस, आई वांट सारा ओनली टू ड्रॉप मी आउट. इनको दरवाजे तक जरा छोड़ दिया जाए. मुझे उसी के साथ आ जा. मुनावर, प्रोसीड टू द बेनकाब जोन. प्रणाम. बहुत दिवस निकले में तुम्हारे कॉमेडिक टैलेंट और तुम्हारी स्ट्रेटजी के जरिए तुम्हारी इंटेलिजेंस तो देख लिया. लेकिन आज जिलर को देखना है कि क्या मनोबल स्टूपिड भी बन सकता है. आज के ढेंगबाजी के खेल के लिए एक ऐसा लड़का बना है जिसे चीजें समझने में वक्त लगता है. और उसकी हर बात क्या, क्यों और कैसे इन सवालों पर जाकर खत्म हो जाती है. तुम्हें बिना ये बात रिवील किए जेलर के अगले नोटिफिकेशन तक इस करैक्टर में रहना होगा. अगर तुमने ये ठीक से किया तो तुम्हारे ब्लॉक के इनाम जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे. समझ गया. अब जाओ और पूनम को यहां भेजो. क्या है वो? चाय? चाय कौन पीता है? सॉरी 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 सॉरी, मैं इस पे हमला किया था. हमला फेल हो गया. ये क्या है? पता नहीं. ये तुम्हारा तो नहीं? अभी ये मुर्गी का नाखून है. Oh, shit. भाई मुर्गी का नाखून है ये. ये मुर्गी का नाखून है. ये मुर्गी का नाखून. यहाँ क्या कर रहे? ये खाओगे?
ये लेनी है रोटी? मुर्गी का नाखून है भाई। नहीं, ये प्याज है जो लाल हो गया वो हो गया। सॉरी। प्याज है तो आंसू क्यों नहीं आ रहे? कवास कितनी करता है ना तू? अब तक इस खेल में एक ऐसी पुन नजर आई है जो स्वीट भी है और कमांडिंग भी। आज के डेयरिंग बाजी में तुम्हें एक सिडक्टिव प्रिंसेस बनना है। तुम्हें बिना ये बात रिवील किए जेलर के अगले नोटिफिकेशन तक इस करैक्टर में रहना होगा। अब जाओ और करणवीर को यहां भेजो। अच्छा, बेनकाब जोन में पूनम भी जाके आ गई है। You don't anymore look like you're tied as you are. No, you're tied. I need to talk to you about something. Listen. You have to go to Benakab's. What's saying? And what if I won't eat? Please eat because I've kept it for you. And what if I won't eat? I want to. And what if I won't eat? And what if I won't eat? Eat. And what if I won't eat? Drink it. What? Come. Drink no, it. Tell me. I want to know. Are you killing it, baby? Tell me. Jailer aaj ek character nibhane ke liye de rahe hai. Tumhe aaj ek aisa insaan banna hai. जो बहुत क्रैंकी है, जो दुनिया में हर चीज से चिढ़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ तुम्हारे लिए एक डेयरिंगबाजी और भी है। आज तुम्हें इस जेल के दो कैदियों के बीच गलतफहमी पैदा करनी है और वो कैदी हैं शिवम और अली। इसके अलावा दूसरे ब्लॉक के अंजलि और निशा के बीच भी तुमको गलतफहमी पैदा करनी है। ध्यान रखो, ये गलतफहमी इतनी बढ़ जानी चाहिए कि दोनों आमने सामने झगड़ा करने पर उतर आए। अगर तुम ये करने में कामयाब रहे तो तुम्हारे पूरे ब्लॉक को उनका प्राइवेट बाथरूम मिल जाएगा। इस दरवाजे से बाहर निकलते ही तुमको अपने कैरेक्टर में रहना होगा। तुम जा सकते हो और सारा को यहां भेज दो। Should I keep? I think I should keep this here. Yeah, this is cool, right? Don't you think so? I think this is cool. What do you think? It's nice, right? Yeah, is it? Then how about I? Can you do me a favor? Yes. Can you make this little tight? Thank you. Yeah. आज के डेयरिंग बाजी में तुम्हें एक ऐसी लड़की बनना है जो अटेंशन सीकर है। जी। अब जाओ और शिवम को यहाँ भेजो। जी। Can you please send my knee pad? और क्या था मेरा तीसरा? ये कैसे खुलता है? Why do you want your pajamas? I want to stretch, man. I want to stretch. Why do you want to stretch? Why do people want to stretch here? ये ऐसे जाके हाय क्यों बोल रही है? Are you guys attacking me? ये ऐसे जाके हाय क्यों बोल रही है? व्यूअर्स ने इस खेल के पहले हफ्ते में तुम्हारा एक खुश मिजाज दिल फेंक चेहरा देखा था। जी। आज की डेयरिंग बाजी के लिए तुम्हें पहले हफ्ते के शिवम को याद करना होगा। बूम बाम। और एक ऐसा लड़का बनना है जो दिल चुराता भी है और दिल लगाता भी है। आशिक मिजाज, बूम बाम। ओके सर, आपका हुक्म सराखों पर सर। तक लिया? तुम जा सकते हो। प्रणाम सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू सर। सारा 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 बाहर आ जा प्लीज, बाहर आ जा। सारा बाहर आ जा, आप प्लीज चुप रहेंगी थोड़ी देर? एक सेकेंड प्लीज चुप रहेंगी? सारा प्लीज बाहर आ जा। नो।
यार ऐसे मत करे सारा, प्लीज कम आउटसाइड मैन, नो स्टॉप ब्रेकिंग द रूल्स, प्लीज कम। किसी के पास चिंगम है तो रूल जो ब्रेक हुआ वो चिपका दो ना पहले। अरे यार तू बाहर आ जाना, तू रेस्ट कर, तू कर क्या रहा है बाहर? नो नो डू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी बताएंगे वहां पे चल के। नो आई लास्ट निशा, या आई लास्ट निशा, या निशा Do you love me? सुनना मेरी बात। सुनना सारा सुन। बचाओ! What are you doing, man? Really? And Nisha, you're also encouraging this. आप लोग मेरे साथ इंसान नहीं कर सकते। आप देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पर? Really? Listen to your captain, man. Listen to your captain, please. बात करो। वो rule break हुआ है, वो चिंगम से चिपक जाएगा। How is this Sara and Shivam angle looking outside? Your perspective on it. Because हम इसको बोल-बोल के परेशान हो गए। ऐसे लग रहा है game के लिए चल रहा है। जैसे तुझे लग रहा है ना बाहर शिवम और सारा लग रहा है, तो उसका भी लग रहा है। No, we're just having a talk here. Like, is it something very serious that I can't be a part of it? Poonam, give us 5 minutes. I think I can, right? Poonam, give us 5 minutes, please, man. तुझसे ज़्यादा प्यार तेरे नाम से है। अरे यार, where's someone? इश्क का इज़हार सरेआम से है। तू कबूल कर दावत है इश्क जरा। करते प्यार तुझे ज़्यादा अपनी जान से है। निशा जी, ऐसे ऐसे नहीं। You can't do this with us. Everybody's okay. Nisha's not. ओके तेरे मेरे बीच जो जो कुछ भी हुआ वो स्क्रिप्ट, उसने क्या बोला कि लड़की है ही ऐसे। निशा ने? निशा ने, ओके। अच्छा। एंड दैट वाज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर। कोई नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। या डोंट वरी, वी जस्ट गेट दिस क्लियर, ओके। आई जस्ट थॉट आई टेल यू बिकॉज़ आई वांट टू हैव अ चैट विद निशा। बस निशा जी एक बार, निशा जी, निशा जी, कॉफी डेट और अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। निशा जी, you know everything, you know the drill. Oh, wo wahan pe kariye, wahan pe thode se mosquitoes zyada hain to thoda sa. Oh, machhar maar diye andar ke kitadu, mere sare aaj kitadu Nisha ji aapke saath hi coffee pe marenge pakka. Just get it cleared, don't let it carry on for like 2 days. No, no, I don't want to, I wanted to, I told you yesterday only ki let me know whenever you're comfortable. Okay, and we'll sit down. See, and hope on the first day we told Shivam this game is stop it, man. It's looking fake. Ab wo bola ke maa devi ki kasam and all that, main bola kasam aisa mat kaho, okay? Bole mera dil ekdam pure hai, I like her. Bole whatever she is, maybe she got a life outside, maybe she doesn't, you cannot force it to her. Obviously, haan, uski mujhe pata nahi kisne munawar hai, kisi ne bola tha ke ali bhi aa raha hai. गाली दे माँ के आगे देख लेंगे। अच्छा डोंट सी, दिस इज व्हाट नाउ व्हाट यू डूइंग इज यू क्रिएटिंग अ स्टोरी इन योर ओन हेड। आई एम नॉट क्रिएटिंग, नो नो नो, वी टोल्ड शिवम दिस, यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन कवर, ही इज कमिंग, इफ ही इवन इफ ही इज कमिंग दैट्स हिज कॉल, ओके। तो क्या होना, एटलीस्ट इफ यू क्लियर हो देन देन इट्स आउट इन द ओपन, यू नो, आई नो हम लोग एकदम चुप दबे हुए बैठे हुए हैं इस बात को लेकर, एंड स्पेशली मुझे शिवम को चुप करना है और कुछ नहीं। डू यू नो के एक क्लैरिटी उसे मिले, मेरे साथ हिंसा हुई, मेरे अंदर आयरन कम, मेरे साथ हिंसा हुई है, हिंसा, हिंसा। क्या हुआ, क्या हुआ? कम है, I'll show you, पायल ने मेरे साथ हिंसा की है। अब मुझे कोई हिंसा इस घर में, हिंसा करने वालों को खाओ पी लिया क्या? फिर सडनली एकदम माहौल ही चेंज हो गया। You're trying to snatch him. No, Ri. Yes. You can have it. You don't want me to talk to him. You can have it. Why? I need to talk to him. Come here. और कोई नहीं चाहिए केवी और वो वाली मेरी, ठीक है, वो एक अदर चीज है। आपने केवी को क्या बोला, ये लड़की है ही ऐसी? हाँ, नो नो नो, आई वांट टू टॉक राइट नाउ। वाओ,
वक्त ये वक्त नहीं है अभी बात में बात करते हैं नहीं मतलब आपने ये चीज कैसे सोच के कही या बिना सोचे समझे गैर साइड नाउ नहीं चाल है इनकी ये कुछ भी कह सकती है अगर ये बात सच हुई ना निशा तो फिर बात होगी ठीक है सोच लो 10 मिनट हैं अपने आप खुद बोल देना अगर सच हुआ तो ठीक है वरना ये फुटेज निकलेगी जिंदगी में आ जाओ वुमन कार्ड क्या होता है अरे वुमन कार्ड जो उसने निकाला यार तो वो राशन कार्ड के साथ मिलता है क्या वो नहीं 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 वो बैंक पहले मिलता था सबको आजकल नहीं मिलता है थोड़े थोड़े के पास रहता है थोड़े थोड़े लोग थोड़े थोड़े के पास रहता है वो डाल देते हैं दे देते हैं मेरे को वुमन कार्ड चाहिए तो तेरे को नहीं मिल सकता वुमन कार्ड तेरे को सिर्फ मैन कार्ड मिलेगा मैन कार्ड हाँ मैन कार्ड वो ये लिंक कराना पड़ता अरे यार मेरे को तंग मत कर यार सीरियसली मुनावर प्लीज यू फाइंड समबडी एल्स मैन प्लीज फाइंड समबडी ले पूनम पूनम ले पूनम को पूछ रहा हूं लिंक करा सकते इतना मैं परेशान हो गई हूं ये लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे इतनी मैं परेशान हो गई हूं तेरे को एक चीज बता रहा हूं हां जी बाबा ओके अली ने मेरे बात पे कुछ किया क्या बात कर रही है बोला था तेरा काम जिसको ब्लड दे रहा था उसको बोला कि छोटी ओ शिट बाबा अब क्या होगा ओके अब ये नहीं हो सकता अब तो हो गया सच ही बोलो बाबा मैं भी सच बोल रहा हूँ मुझे तो प्यार हो गया है नहीं ठीक है हो जाए यस बाबा अब तो हो गया आई स्टूड बाय यू यस बाबा अब तो हो गया बाबा फर्स्ट जब फर्स्ट डे मैंने तेरे को बोला अब मेरे अब इस दिल पर नहीं अब कुछ नहीं चलेगी वो क्या बोल रहा है बाहर है इसका फेक प्यार अब कुछ नहीं चलेगा बाबा अब तो हो गया बस निशा जी ठीक है कर ले यस बाबा आई नो इट हाउ डू यू फील आई फील गुड आई फील डू यू शेयर द चॉकलेट आई फील शेयर करना है चॉकलेट किसी को कि खुद ही रख लेना पीक यू नो शेयर द चॉकलेट विद द व्यूअर्स ओह नो आई एम शाय आई एम यस और नो आई एम डू यू वांट टू सी हाउ लॉन्ग माय टंग इज आई कैन शो इट टू यू Doing that? Where are you going? मैं सैटरडे के पहले ये बोलने वाला था जेन्युइनली दैट यू जस्ट लाफ इट ऑफ जो भी कुछ बात होती है ना यू जस्ट लाफ इट ऑफ एंड यू से लेट इट बी एंड जेन्युइनली मेरे हार्ट से मेरे दिल से मुझे तुझे ये बोलना था और इस सच में कि व्हाट इज द गेम व्हाट एवर इट इज यू नो बिकॉज द छोटे पाउच में फूटती है और फिर एकदम शांत हो जाती है इफ समबडी सेज समथिंग लाइक दिस I really wanted to tell you, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊँ और इसलिए आज जाकर मैंने तेरे साथ सुलह की कि ना वट एवर इट इज़ एट लीस्ट लेट्स हैव अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन अदरवाइज के क्या है ना इस जेल में रहना चाहे कितने दिन हो रहना है साथ में I'm giving you the best chocolate ever. And what if I? Tell, take this. And what if I don't want to eat that? अरे यार अभी तो चॉकलेट चाहिए था यार तू डोंट ईट नो यू कैन गिव मसाज टू योरसेल्फ बाय ईटिंग योरसेल्फ आई डोंट वांट दैट नो व्हाई नॉट नो आई डोंट व्हाई नॉट ऑफ कोर्स बट आई डोंट माइंड हैविंग इट हैविंग व्हाट आई डोंट माइंड हैविंग इट हां यू यू नो अ बिट हैव अ बाइट यू हैव अ बाइट खाना ही पड़ेगा अरे पूरा खराब थोड़ा काट के दे दो व्हाट And what if I? बहुत amazing prop है वो. Really? Yeah. एक बार देख लो एक बार. हो ना? But पेड़ से कट कर. हो ना सुनो ना. वो लोग देते थे. चलो दोस्ती बन जाओ. पहला step किसी भी आशिकी का दोस्ती से शुरू होता है तो कहते हैं कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती. इश्क पे जिंदगी खत्म नहीं होती. साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का तो जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती. अरे बूम बाम नूना तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा है होना No, no. Please. Oh God. Yeah, please, banao. Guest service is available. You guys will cook now. Start kar lo, start. I am not cooking. I don't know how to cook, though. My father didn't taught me. No. But I can try. I can try. I don't know how to cook.
मैं आईनों से गुरेज करते हुए पहाड़ों की कोक में सांस लेने वाली उदास झीलों में अपने चेहरे का अक्स देखूं तो सोचता हूं कि तुझ में ऐसा क्या है कि हमारी ये बेसाख्ता मोहब्बत ज़मीं पे फैले हुए समंदरों की गुज़रतों से भी मुआवरा है। मोहब्बत के समंदर में सिर्फ बुहैयरे हिजर ही तो बुरा है नोना, मेरा दिल आपके दिल की धड़कन को समझे वही तो खुदा है नोना। यार बिल्कुल ही भाव नहीं दे रही यार बंदी, आदि कर दी इसने। ये सामान ढूंढ रही हो तुम अंदर? सामान कबर्ड में रखना चाहिए। Okay. I'm making some. इसको एक्चुअली लहसुन की जगह कोल्ड सर्व करना होता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये लोगों को कि लोगों को क्या लोगों को गरम सर्व करो। गरम क्या? गरम चटनी सर्व करो। गरम चटनी सर्व करो। सर्व? Yes. You want to serve garam chutney? सर दर्द होने लग गया, क्या ड्रामा लगाया हुआ है। छी, उल्टी भी आ रही है उसको देख के। जाने दे ना उनको जो करना था। My father is such a place, I could have been so many beautiful things. Really? Will you teach me? Will you teach me? Right after we cook this. I can teach me छी. All right, I'm ready to rock and roll and learn. I can teach you. Ow! So, I am ready. So you teach me, all right? I am ready after cooking. And then, we will, rock and... You have no right to bar like this. I can totally understand. You will burn. इन होठों से कुछ काम कीजिए नोना, इन होठों से कुछ काम कीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, सिर्फ जिक्र होना चाहिए इन पर हमारा, चाहे तारीफ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। थैंक गॉड मैन, प्लीज यार, रियली बहुत लेट बोला है, पता नहीं क्या चाहते हैं आप। अरे तो हमारे पास अच्छी चॉइस कौन सी है? पूरा मत होने दो, डोंट रिएक्ट, डोंट गो आउटसाइड। बिल्कुल भी रिएक्ट करना नहीं चाहिए था बीच में। नहीं, वी हैव टू बिहेव लाइक इट्स अ नॉर्मल डे। मेरे को समझने में थोड़ा गया ना टाइम, इट्स ओके। नहीं, बीच में उनको रोकना पड़ा बिकॉज़ सबको बहुत हंसी आ रही, कुछ भी हंसी आ रही, वो कंबल ओढ़ के सो रहे। वी हैव, वी बोथ हैव उसको बचाने के लिए, वी बोथ हैव इट, इसलिए हम उसको उठा के लिया। करणवीर जी, अभी तक आप डेयर कंप्लीट नहीं कर पाए हो। अरे यार, आपने टास्क ही ऐसा दिया है, सबको दरवा दिया आपने टास्क, सब सोच रहे हैं कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, बिलीव ही नहीं कर रहे हमारी बात का। इसीलिए जेलर ने ये डेयर थोड़ा आसान करने के लिए, ओके, आपको अपने लेफ्ट ब्लॉक के कैदीज को जाकर बोलना है कि आप सब अपने कैरेक्टर से बाहर आ सकते हो, लेकिन साथ ही आपके पास सिर्फ एक घंटा है ये डेयर कंप्लीट करने के लिए। अब आपको बाहर जाकर क्या कहानी कहनी है वो तुम्हारे हाथ में है। शिवम और अली के बीच गलतफहमी पैदा करनी है और साथ ही में निशा और अंजलि के बीच में भी गलतफहमी पैदा करनी है। मेरी टीम से किसी की मदद ले सकता हूँ? नहीं। अच्छा, उनको भनक भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी ये डेर है। ऑलराइट, तुम जा सकते हो। थैंक यू। हाँ तो ठीक है ना, he's out of the बेनकाब zone, out of the left block कैदी, come out of the given character। मैं नहीं shit, इतना लंबा कौन खींचता है यार, सर दर्द हो गया मेरा तो भाई, मेरी sorry केवी, sorry everybody, sorry guys, I didn't mean that, I'm sorry bro, I would advise take it up with him. नहीं, मैं बैठूंगा, बात करूंगा, बात नहीं कर,
क्योंकि मेरे पे नहीं आया ना कुछ क्योंकि मैं क्यों फील करूँ तुम जब से मैं आया हो तब से ही इज बीइंग सो नाइस टू मी लेकिन भाई हम जो है वो है और मेरा रीजनिंग ही बहुत अलग है कुछ भी नहीं बोल रहा इतना स्वीट बन रहा है मैं क्या बोलूँ एंड टेकिंग इट आफ्टर हिम विल शो हर डाउन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज माय एक्स नो मैटर व्हाट पर कोई भी मेरी चीजें विल नेवर पुट एनीबॉडी डाउन चुतियागिरी करता है पता है द प्रॉब्लम इज दिस समटाइम्स आई लाइक आई लव हिम एक्चुअली वो चुतियागिरी करता है आई केम हियर बिकॉज़ आई हैव बीन मिसिंग दिस इंडस्ट्री और वो चीजें जो हुई थी वो मुझे इतना डैमेज कर दी थी कि मुझे अच्छा काम मिलना कम हो गया था बंद हो गया था वो दैट वाज आल्सो लाइक अ जस्ट अ प्रिटेंस नो अंजलि एंड यू के आई डिड हियर यू सेइंग दैट व्हाट आई डिड व्हेन यू वर टॉकिंग विद I think it was not And what did I say exactly? I heard this. What was it? I heard it. What? That wo to aise hi hai. So this was a real thing. Why would I not? Maine usko baad mein hi bola tha. It was there. It was there. Not a part of your task. No, it was not part of my task. Acha, because in the middle of the task aap log aake. Yeah, I was told to crib. My character was to crib. Okay, but this was what even after the task was over. But this was not a part of that cribbing. No, it wasn't. I heard this. I think either it was Payal or either it was Sashi. One of them in the barrack when you were sitting. And I heard it was my context only you guys were talking. Your context. I think jab wo Saturday ki baat hui thi na puri ki ha aisa kaise I think maybe it was Payal I don't know who. Saturday ki kya hua jo jo baat nikli na meri baat wo story ki script ki. Acha wo jo ha ha okay. Yeah, that's when I heard. So KV said I asked him Anjali अभी नहीं आपने नहीं नहीं मैंने मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या पूछा कि आपने वो जो मुझे आके बात बोली was it for real or it was just a part of the task तो कहता है I heard you say that जब आप लोग मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे I heard you say that उसने तो बोला कि मेरे को सामने से बोला आपने किसको आपने मुझे बोला I heard you that is why I'm saying कि Stop this topic right so now. We just picked up बात है ना सामने खड़ा करके बात करेंगे वही है ना बाद में करते हैं इसका जब वो आया था ना कि इज अली मर्चेंट है वो सारा तो वो अंदर लड़ाई हुई थी क्या जरूर शी वाज सो हर्ट मैन शी वाज सो हर्ट तो एक बार ना जस्ट शो हिम हिज प्लेस दैट्स इट यू नो हाउ आई वाज पंपिंग हर सीरियसली डिड यू सी दैट जब हम जब कल मिले थे यू सो हाउ आई वाज एनकरेजिंग हर हाँ देन आई रियलाइज बाद में कि भाई ये इसने कुछ बोला होगा अंदर और तब वो जाके चिड़ी है ही शुड नो व्हाट्स हिज स्पेस शी इज तो चल ठीक है बट दैट इज इसलिए मैंने कल ही उसको बोल दिया था कि आई वांट टू टॉक टू यू एंड आई स्पोक टू हिम राइट नाउ और इसने ना वर्ड से चूतिया नहीं बोला मैंने यू नो बोला कैसा चूतिया है क्या कर रहा है क्या नहीं तो हाँ है ही ऐसा Okay, so he didn't use the word, but he said it. Okay, so that's, you know, you need, yeah. No, I'm not going to do it. I'm telling you up front, okay? The best thing, and that's what you do also. Okay, you were up on the seat, right? You were up or not? चढ़ गया मैंने को रोका तेरे को नहीं तेरे को चढ़ क्योंकि सुबह मेरे गेट बोले थे कहते हैं वो नहीं मैं तेरे साथ हूँ साथ ना रहो तो नीचे मत जा मैं अगेंस्ट नहीं हूँगा मैं तेरे को है ना हक से बोलूँगा भाई ये गलत है बस एक बैडएस जेल में ऐसे सर्कस वाले टास्क पर यार इतना टाइम ऐसे कैरेक्टर में रहना हाँ मेथड मेंटल स्ट्रेस है टूथपेस्ट से जो नाम लिखा ना क्रेजी क्रेजी किसी को तुम प्यार करते हो और उसकी बेइज्जती कोई करे अच्छा नहीं लगता तेरी बात कर रहा हूँ भाई कल अच्छा नहीं लगा मुझे मैं हर्ट हूँ थोड़ा सा कौन सी वाली बात पे सारा वाली बात पे थैंक यू चैलेंज में आई डिडंट लाइक इट कोई स्ट्रेस नहीं तू तेरा देखने का नजरिया मेरा देखने का नजरिया अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक करना लाइफ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है ब्रो जब तुझे पता है वो आई हुई है यहाँ पे तो तू यहाँ करने की तू तू है तू डिसाइड करेगा तू प्रोड्यूसर है अच्छा तो तू मत आना प्रोड्यूसर बोल रहा था वहां पे बैठना जी इतना जी ये शो रूल करता है ये शो इसका है तुझे पता था ना वो यहाँ पे तो तू क्यों आया अरे मैं यहाँ पे क्यों आया पहले ही लॉक हो गया था अपने जाना अपना काम कौन सा पाउडर काम कर रहा थे
जाना वहां पे करना वहां पे मेहनत से वो सब किया करियर ओवर हो चुका था तू क्यों आया दोबारा वो सब किया और वहां पे एस्टैब्लिश किया तुम मत आना है ना तरीके से बात उसके बाद उससे जो भी बात करनी है तरीके से करियो ऊपर गया हूं मैं उससे जो भी बात करनी है तरीके से करियो एक काम बता ना जो बात करेगा मैं क्या शॉर्ट कर रहा है ना शॉर्ट में समझा रहा हूं रॉन्ग नंबर डायल मत कर रॉन्ग नंबर नहीं सही नंबर तरीके से बात करियो समझा ना फिजूल का मत कर शिवम दो मिनट में ऐसे घुमा दूंगा फिजूल की नहीं घुमाना क्योंकि तू बड़ा प्यारा है हां तू घुमा है ना बैठ ना बात कर घुमाना बैठ नहीं घुमा ले घुमा घुमा ले घुमा दे यार मैं डरता नहीं भाई ऊपर वाला मेरे साथ है सही नियत से आया हूं सही इंटेंशन से किसी के बाप से नहीं तो मैं भी नहीं डरता भाई यार तू करना तू कर बट उससे बात करे तरीके से बात करियो समझा ना आज के बाद कल मैं हार्ट हुआ मैं बोला नहीं तू बार बार आके मस्का जो लगा रहा लवर वाले वाला कैरेक्टर मैटर है कि नहीं मैटर है कि नहीं मैं समझ रहा हूं तेरी तरकीब है भाई मेरी कोई तरकीब नहीं मस्का मुझे मस्का लगाने मेरे पास नहीं होगा जिंदगी में नहीं लगा तू वाइल्ड कार्ड है तेरे तू वाइल्ड कार्ड है तू वाइल्ड कार्ड की तरह चलेगा वाइल्ड कार्ड की तरह मैं जैसा वैसा वाइल्ड कार्ड की तरह मैं देखो जस्टिफाई नहीं करूंगा वाइल्ड कार्ड कोई नहीं है और मैं ये सब करने नहीं वाइल्ड कार्ड की तरह रहे मैं जैसा हूं वैसा हूं मैं कोई नहीं डरता रोज नॉमिनेट करना नहीं डरता मैं किसी से मैं बहुत जो बनाओ खुद पे बनाओ है ना और ये सब हरकतें मुझे अपना स्टैंड लेने दो मुझे करने दो तुम्हारा तुम ठीक है मेरे ऊपर से मत लो बात वो नहीं है वो जब से मस्का लगाया जा रहा है मुझे तो मेथड एक्टिंग मैं चाहिए मस्का लगा रहा है मुझे सही लगा बात वो देख के आ रहा हूं मैं बाहर हिट हूं तू बाहर देख के आ रहा है मैं हिट हूं बाहर मुझे पता है तू आगे तो बता रहा भाई मैं दो चार अच्छी बातें कर लूंगा काम अच्छा हो जाएगा देखो तेरे को जरूरत नहीं है बहुत नहीं है अच्छा देखो अंदाजा है तू नहीं लसन क्या काम लसन है ये क्या आपने मुझे कहां किस जगह डाल दिया है मेरे ऊपर लड़ाइयां होंगी फालतू बाहर लगेगा मेरे ऊपर लड़ ना मुझे उससे कुछ लेना देना ना इससे कुछ लेना देना ये था तेरे जोक का सही कितना हावना बन गया हंसता था इसने कुत्ता हाव रहा है बाबा वैसा का देखो ऐसे वास के नया सोच रहा अरे दांत भी बहुत प्यारे तेरे से पीले दांत तू अपनी शक्ल है बवासीर हो गया कुत्ते ने बवासीर को पेंडिस हो गया ऐसे लगता है बहुत प्यारी शक्ल है बवासीर को पेंडिस हो गया तेरी यही शक्ल है बाहर लोगों को भी समझ आता है जब क्या पता नहीं वो लोग तो कुछ भी यार ऐसे चुचुंदर बहुत देखे लाइफ में चुचुंदर तेरा मुंदर बना दूंगा मैं ऐसे लोग मुझ तक पहुंच भी नहीं सकते समझ रहे मुझसे मत बोलो मुझे नहीं पता है व्हाई यू गाइस आर फाइटिंग पर मैं क्या करूं ही ट्रिगर्ड इट्स ओके मैं अब उसको भी नंगा करता हूं हल्के में लेकर बात मत करना वो ये बोल रहा है वो कौन होता है बोलने वाला यार नो वाजेक तुम्हारा लॉयर दिख रहा है लिसन डोंट ओके फाइन लेट इट गो आपको मेरे लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे यहाँ पे ये सब करने नहीं आई हूँ मैं और मैंने आपको बहुत क्लियरली बोल दिया था बहुत क्लियरली बोल दिया था कि प्लीज आप कोई इमोशंस फीलिंग्स मेरे लिए मत रखो क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको कोई जरूरत नहीं उससे कोई बात करने की मेरे लिए आपकी जो बात है पर्सनली वो अलग बात आपकी बात नहीं कर रहा हूँ पर आप क्यों बोल रहे हो उसको बात मत करो सारा से मुझे नहीं मुझे आगे बात कर रहा है मस्का लगा रहा है मेथड एक्टिंग तेरी अच्छी है वो जो ड्रामे करने की कोशिश कर रहा है क्रिएट करने की कुत्ता पाल बिल्ली पाल बॉम्बे में ना बॉम्बे में ना गलत से भी मत पाल गलत से भी मत पाल कोशिश भी मत कर तू भी तुझे दिमाग में बात मेरे तुझे भी पालूंगा बिल्ली भी पालूंगा सोच में बात तुझे भी पालूंगा भागे उसे हां मैं करना उंगली पकड़ा कंधे में चले कान में मुद्दी मेरे है ना आजा कर ले जो करना तू कर ले आई विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू आई विल नॉट कल देख ले कल तेरी रिस्पेक्ट देख कोई गलती नहीं कल तेरी रिस्पेक्ट देख मैंने और लड़की से बात करने की तमीज नहीं 12 साल का शादीशुदा आदमी सो के हां तेरी सो दे सो दे सो अपनी सो दे अपनी सो लगेगी उतनी इज्जत है मुझ में अपनी सो दे क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं कबाड़ी कबाड़ी तू कबाड़ी कल गाड़ी में कपड़ा मारने आई हो कल मेरी गाड़ी में कपड़ा मारने आई हो गाड़ी गंदी है मेरी मेरी गाड़ी बहुत गंदे कपड़ा मार रहा है मैं टायर में हवा भर रहा है पंचर भर पंचर लगा दिया है गाड़ी लगा ये सब कर वो सब कर अबे इधर आ इधर आ बैठ इधर आ यहां खड़ा हो ना बैठ के यहां खड़े होकर बात कर आ रहा हूं यहां आ बोल हां बोल बोल क्या बोल रहा है भौंक तू बोल ले तो भौंक तू भौंक आ जा बैठ बैठ अबे तू बैठ तेल अच्छा तू तेल ले गया तेल ले गया तेल यहां पे तेल लगा अबे मैं बैठूंगा कल आऊंगा सुबह एकदम सनवा करूंगा सनलाइट भी आ गई है अभी की बात करना और मैं ये तेल ले आई हूं बादाम का तेल लेके आई हूं सामने से बात करता हूं मैं बादाम का तेल लेके आई हूं सारे वाली का अंदर वो डिसएग्री के टाइम पे दोनों का आर्गुमेंट हुआ और दोनों ने वो शॉट भी कर लिया
शिवा भी अली को बोल रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे भी इस तरह बात नहीं करेगा। इतना गलत दिखेगा ना वो शक्ल दे रहे आसपास सोच वाले शक्ल बड़ा आया कल का लौंडा लड़का पागल हो गया। I don't know why these people are putting me in this situation. We are going to do this. उसका कुछ नहीं। But why me? What did I do wrong to them? ओ तू इतना बड़ा कैसे हो गया? जब तू छोटा था ना एक बार तू नंगा डायपर पहने रोंगोड पहने घूमता था तो तू टायर लेकर डंडी लेकर घूमता था मेरे घर पे। इतना बड़ा इतने जवान की हिम्मत कैसे होगी तेरे में? भाई इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या मुंह साफ कर जाके मेरे डायलॉग मुझे क्यों मार रहा है? Yesterday's fire. You got nothing to do with you. Stay off it. देखो एक बात सौ की सीधी बात कोई उंगली करे हाथ डाल लेगा कोई फट्टे में टांग रहा है उसको फाड़ने सीधी बात इज्जत की अगर मेरे पे चढ़ा ना अगर कभी वो इस हरकत में ये जो अब कर रहा है ना सुबह सिद्धार्थ पे भी किया यहाँ पे भी किया ये फालतू का घर का पूरा जेल का माहौल खराब कर रहा है वो हो चुका इट्स डन एंड ओवर एंड बाहर सब खत्म हो गया खत्म हो चुका है यहाँ आके क्यों कर रहा है बाहर इतनी बार ही कहीं पे भी अगर गलती से कहीं दिख जाए मिल जाए ही ट्राइज टू टॉक टू मी एंड आई इग्नोर एंड आई जस्ट रन ऑफ फ्रॉम देयर मैं उस जगह नहीं होती हूँ जहाँ पे ये होता है तो व्हाई विल आई बी विद हिम जो मेरे साथ की दोस्तों को भी मैसेजेस करता है जितनी लड़कियों को मैं जानती हूँ सबको और उसके बाद ही थिंकिंग कि मैं उससे यहाँ पे बात करूंगी मतलब अकेले में तो कभी मैं करी नहीं क्योंकि हमेशा आई एम सराउंडेड बाय माय पीपल 50,000 कैमरास के सामने ही थिंकिंग आई मैं जितना मैच्योरली बिहेव कर सकती हूँ आई एम रिस्पेक्टिंग हिम आज कल सुबह सिद्धार्थ पे आया आज अली पे आया कल इस पे आएगा कल उस पे आएगा और अगर सारा ने वो तो क्या हीरो बन गया क्या पर इन अ रिलेशनशिप तो अलग बात थी दे हैव हैड अ पास्ट रिलेशनशिप दे नीड टू सॉर्ट इट आउट वी आर नोबडी टू टॉक इन ऑब्वियसली वी आर नोबडी टू टॉक करेक्ट और वो भी उनकी बात है उनको सॉर्ट आउट करना हो तो इट्स वेरी स्टूपिड इफ वी इवन गेट इनटू इट लाइक दे आर डूड लाइक दे हैड सम दे कैन हैंडल इट यस अली इज ओवर एंड डन 12 इयर्स बैक नाउ व्हाई इज ही टॉकिंग नाउ देयर एनी इज दिस इज बेटर राइट नाउ क्लियर हो जाए वो जो बात व्हिच पार्ट द वन आउटसाइड ओके व्हाट अंजलि केम एंड टोल्ड मी इनसाइड ओके सो आई जस्ट वांट टू कीप इट नो इफ यू केयर अबाउट हाउ आई एम गोना फील एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग देन आई एम गोना रिस्पोंड लाइक आई वुड रिस्पोंड टू अ पर्सन हु केयर्स नो सो डोंट रिस्पोंड टू मी मुझे बात सुनी मैं आई कुडंट टेल हर बिकॉज आई डिड नॉट आई मीन आई वाजंट इवन टॉकिंग टू आई डिडंट आई वाज इन अ डिफरेंट state so that is why I wanted to put this clear that ye maine baat suni to you clearing something with her yeah aapne aisa bola so here's what I have to say I'm not going to confirm or negate it because I don't know ki hamari kya baat ho rahi thi kis context mein ho rahi thi I don't think I need to explain or confirm anything or negate it because I have no idea that you were eavesdropping and listening right, to the conversation right, I was sitting right behind yeah but you were not a part of the conversation aapne sun li ha to suna maine to mujhe ye cheez boli ki ye ladki to hai hi aisi See Anjali, I don't know you, so I wouldn't say that. आप कुछ भी बोलोगे इस बारे में Anjali, I'm asking you something and I'm saying something. So please listen to it very carefully. Okay. One, I don't owe you an explanation, but because you're a girl, I understand and therefore I'm saying this because I don't know his intention of sharing this with you. एक sentence बिना किसी को जाने बिना किसी को जाने बिना किसी Anjali, से look, बात if we are not going to logically talk, then I'm going to get up and go. Logically I wish to talk to you. So listen to me carefully, Anjali. Okay. अगर एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उसमें से एक सेंटेंस निकाल के एक इंसान एक ऐसे टाइमिंग पे यूज करता है जो उसको सूट करता है क्योंकि वो उसको उससे क्लैरिफाई करनी है कोई चीज ऐसे टाइमिंग नहीं है नहीं। हमने आज सुना की सुबह को और इमीडिएटली टास्क हुआ लिसन टू मी अब उस दौरान मैं क्या बताऊं सी इफ दिस इज अबाउट यू बोथ एंड इट्स नॉट अबाउट मी करेक्ट सो इफ इट्स नथिंग टू डू विद मी ऐसा कुछ भी नहीं देन अलाउ मी टू स्पीक आई डू नॉट नो क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट था ठीक है आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु टॉक्स बिहाइंड पीपल्स बैक अनलेस आई एम डिस्कसिंग वॉट दे आर डिस्कसिंग और इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम और अ स्ट्रैटेजी जब ये बात हो रही थी तो मतलब आप कह रहे हो ना आप पीछे बैठे थे उनके और आपने सुना इनके साथ कौन था मुझे तो याद नहीं शी वाज सिटिंग इन द फ्रंट ओके शी वाज सिटिंग इन द फ्रंट दिस वाज नॉट इमीडिएटली दिस वाज ड्यूरिंग दैट बात हो गई थी और कॉन्वर्सेशन चल रहे थे दैट्स व्हेन आई हर्ड इट अंजलि लीव I don't want to clear. मैं आपको छह तरीके से इस सेंटेंस को कंप्लीट करके बता सकती हूँ उन्होंने सिर्फ उतना उसी दौरान हुई थी जब हमारा टॉपिक निकला था See, listen, I don't owe you an explanation again. I'm saying this because I feel you why you are saying this.
ठीक है, मेरे को इन्होंने बोला। अब आपको ये सोचना है आप लोगों की क्या बातें होती है, ये कौन से टाइमिंग पे आपको ये बात बोली गई और क्यों बोली गई। आप उनको बेटर जानती है बिकॉज यू ऑल स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, आई डोंट। मी एंड करण वीर हैव मेट आउटसाइड, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, वी हैव चिल्ड्रन हु आर द सेम एज, वी आर हेलो आई, वी डोंट हैंग टुगेदर। सो नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी इंसान एक सेंटेंस में से कॉन्टेक्स्ट निकालता ना, उनको पता है किस बारे में बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, तो मैं इस बात को कन्फर्म या डिनाई कैसे करूँ। Exactly. हो सकता है मैंने बोला हो पर वो सेंटेंस इस बारे में भी याद नहीं है कि इनके साथ कौन बैठा था, आपको ये भी याद नहीं है। पायल बैठी, तो अभी आपने बोला कि मेरे को नहीं पता, आप बोल रहे थे पायल के साथ कौन बैठा था, मैंने पूछा निशा के साथ कौन बैठा था। नहीं, नेक्स्ट टू पायल, अंजलि, पायल वहीं थी, पायल से बात हो रही थी। अंजलि, कैन आई आस्क हर, अंजलि लिसन, यू एंड मी have not been on a good term from the beginning of this show. It was during the same time when this thing happened. ठीक है, तो मुझे तो पेंट ब्लैक करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि टेक्निकली फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव ऑलरेडी पेंटेड ईच अदर ब्लैक, करेक्ट। तो मेरे बारे में ये अभी बोलने की जरूरत क्या थी, अब आप ये सोचना। आपको और कुछ बोलना है? थैंक यू, आई एम गुड अली, साइशा कम कर लो, आप लोग चले जाओ। गलत फहमियां शिवम और अली में हुई, गलत फहमियाँ अंजलि और निशा में भी हुई, तो उस हिसाब से टास्क मैं जीतता हूँ और वो वॉशरूम मेरी टीम जीतती है, फॉर द टीम। कैदियों ध्यान से सुनो, कल के अत्याचारी खेल को जीतने वाले लेफ्ट ब्लॉक को आज जेल के शानदार प्राइवेट बाथरूम का एक्सेस कमाने का मौका मिला था। आज जो पांच कैदी बेनकाब जोन में आए थे उन्हें जेलर ने अलग अलग कैरेक्टर्स सौंपे थे, सभी ने अपने कैरेक्टर्स बखूबी निभाए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आज की डेयरिंग बाजी को सफल या असफल बनाने की जिम्मेदारी करण वीर के हाथ में थी। शर्त यह थी कि अगर करणवीर उनको दिए गए डेयर को पूरा करते तो लेफ्ट ब्लॉक इस डेयरिंग बाजी खेल में जीत जाता। करणवीर को बताया गया था कि उन्हें शिवम और अली और निशा और अंजलि के बीच गलत फहमी पैदा करके झगड़ा कराना था और इस चुनौती का नतीजा तुम लोगों के सामने है। और करणवीर लेफ्ट ब्लॉक के लिए प्राइवेट बाथरूम का एक्सेस जीत चुके हैं। ओह शिट बाबा लाज रख लिया आपने, नहीं तो मैं तो करियर ही ओवर मेरा ऐसा लग रहा था। नहीं तो बनना इस तो ना बोल, बाथरूम का इस्तेमाल केवल लेफ्ट ब्लॉक के कैदी ही करेंगे और इस रूल का पालन हो ये जिम्मेदारी भी लेफ्ट ब्लॉक को ही उठानी पड़ेगी। और अगर राइट ब्लॉक के कैदियों ने बाथरूम का इस्तेमाल किया तो दोनों ब्लॉक्स को सजा होगी। परफेक्ट। इन्होंने इतना दिमाग यूज किया, इन्होंने टास्क करा, कैरेक्टर्स प्ले किए, फिनिश हो गया। अंजलि ने बोला और हमको लगा फिनिश हो गया और अब जाके इन्होंने टास्क खत्म किया जब अली और इसकी फाइट करानी थी और उसकी फाइट करानी थी और पूनम ये लोग सब मिले और हुए उसकी हैं। नहीं, मेरी और उसकी और अली और उसकी और मुनावर भी उस फाइट का हिस्सा था इस मिसअंडरस्टैंडिंग का। आप समझ रहे हो? सब समझ रही हूँ। अंजलि तो अभी क्या करना है? डू यू वॉन्ट टू एंटर द बाथरूम एंड गेट देम इनटू अ पनिशमेंट जोन, क्योंकि हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, आई डोंट माइंड डूइंग दैट नाउ।
सो लेट्स डू इट इमीडिएटली. क्या करना है सिद्धार्थ? बाथरूम में घुसना है? सोच के करो, बिकॉज़ इसके बाद दे विल बिकम केयरफुल. उसने मुझे अंदर बुलाया तेरे, तो बोला तुझे ये करना है और साथ में अंजलि और निशा के बीच गलत फहमी पैदा करनी है और शिवम और अली के बीच अपना माँ के दो दो. ग्रेट, ओए शिवम, गुड जॉब शिवम. बोलो ओए अरे यार, बाथरूम की सॉरी सर है दोस्ती की थी उससे, वो दोस्त भी नहीं है मेरी. लेफ्ट ब्लॉक, यू कैन नाउ एक्सेस द प्राइवेट बाथरूम. तूने बहुत अच्छा किया. आपको बुरा लगता है मेरी वजह से? नथिंग अगेंस्ट यू शिवम एंड यू नो इट एंड यू आर माय फ्रेंड. बस दोस्ती है, मैं दोस्ती है, मैं तो दोस्ती हूं. ऑलवेज आई डोंट वांट टू मोर हर्ट कोला यार. बट यू प्रॉब्लम सो मच क्या करता है. सो चल टन 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 टन. आर यू किडिंग मी? लाइक सीरियसली? आप ठीक हो ना? परफेक्ट ना. उसमें कोई कुछ नहीं चाहिए. बस अब तुम यार मेरे को बुरा लग रहा है शिवम. अरे एंजॉय सारा मशरूम. एंजॉय यू एंजॉय. See, you are here to create your own identity. Identity now, away from her and all of the past and this and that. But that is your past. Barabar. Fact is fact. That you can't run away from. Agree. So, वो होने ही वाला है. Oh my God, face wash करने अभी वहाँ नहीं जाना पड़ेगा. सब साथ में सब रखेंगे. अच्छा. सज्जा के रखेंगे. अभी सॉरी मैंने बड़ी सीरियस ली है. अरे सॉरी, इसमें टूथपेस्ट वगैरह रखेंगे. I love you too. I'm sorry. Brother, मैं हूँ हीरो. You will always be. Thank you. And he's there. He's there looking at you. This is deep. Thank you, Baba. But you are good, yaar. What you're feeling is deep. I know. Only I can understand. And you will control. Hey. Yes, yes. Full. पूरा नहीं रोएगा. आधा रोना. अच्छा लगता है. Okay. खाली बस. Smile. Smile. अब इसका मूड इसे उतर के मैं बिल्कुल अभी मेरे लड़ने की कोई जरूरत नहीं. I can take my phone and awesome. You're awesome. You're awesome. We are doing so good. You are a very good actor. You are an amazing person. And we are very good. We will always be. सिर्फ एक सवाल हम लोगों को आपको पूछना है. Do you want to be in Team Orange? Obviously. Okay, now listen to me very carefully. अब बाथरूम में जाना और बाथरूम के अंदर जाके बोलना. एक मिनट, एक मिनट. I want to be in Team Orange and then use the bathroom and come out. जब तक मेरे को ये नहीं पता चलता कि मेरे पास अभी पावर क्या है, क्योंकि कंगना जब बोलकर गई थी कि इट्स ओके आप अभी ऐसे हो, but you have some special powers. I don't know kab denge. Correct. Mujhe nahi pata kya hai. Theek hai. Mujhe kuch nahi pata hai. Theek hai. Now listen, tab tak aap kya karo, be normal, use that bathroom. Say for example kal aapko special powers de diye gaye, to aap bathroom mein jana susu karke fir announce karna. To kaise bolungi? Aise bolne do na. Unko sunne do na. Kaise bolungi main? Matlab ye cheez hum baad mein bhi discuss karte hain. Theek hai chalo. वो तुझे कितना ट्रस्ट कर रहे और वो तेरे साथ कितना खेल रहे. I just want to know that. हाँ, वो ये उसने बोला कि अभी कल वाला टास्क और आज वाला टास्क मिलाकर वो वॉशरूम जीते हैं. मैंने कहा हाँ ठीक है. कह रही आज तूने हमारी टीम से प्ले किया था, इट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ ऑरेंज टीम. सिद्धार्थ आके मेरे को बोलता है तू दिल से चाहती है हमारी टीम में आना? मैंने कहा हाँ हाँ आना चाहती हूँ. तो फिर वो वही निशा भी कह रही थी
कि मोस्ट वेलकम, हम हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी टीम में आओगे तो. पायल भी कह रही थी थैंक यू सो मच आज अच्छा खेलने के लिए, और फिर अब रात को बात करेंगे. मनोहर को क्या बोला, मनोहर कुछ बातें बताती हो क्या बोला? वही कि तुम जाके हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना तुम पे. मैंने कहा हाँ बाकी आपकी मर्जी है. अंजलि करो ना, मुझे देखना है कि आपको अलाउ करेंगे. ट्राई करो, अपनी ऑरेंज पैंट जरूर दिखाना उनको. इसको लेके जाऊंगी जा सकते मेरे लिए तो वॉशरूम का गेट नहीं खुलवा सकते. आ मेरी रेटिना लेके जाए ले पकड़ो चम्मच लेके आ जा. मेरे लिए तो वॉशरूम का गेट नहीं खुलवा सकते. क्या चम्मच लेके आ? पूरम तू भी नहीं खुलवा सकती क्या? तू क्या चाहती है? तेरे लिए तेरा दोस्त क्या करे? संडास का दरवाजा खुलवा दे. ये क्या उम्मीद है तेरी? आई थिंक यू कैन डू इट अंजलि अलोन. यू डोंट नीड एनीवन. ले ले सुन, ये ट्राई बूम बा. ए लॉक कर, लॉक कर. अरे रे रे डोंट डोंट डोंट. व्हाट आर यू डूइंग शिवम? लॉक किया है हमेशा. टेक एक्सेस एंड अरे ऐसा छोड़ के ऐसा वॉक मत कर, बंद कर और फिर सुनाई नहीं दे रहा आपको. खोलो इसको. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट हट जा, एक मिनट हट जा, एक मिनट हट तो सही. ये ब्लू जैकेट पे आई एम इन ब्लू टीम यार. मैं ब्लू टीम से हूँ. लो आई एम फ्रॉम ब्लू टीम. प्लीज ओपन इट. ओपन करो. अरे एक्चुअली होना है सिर्फ लॉयल्टी नहीं. खोलो. अच्छा सुन, हटना हटना एक मिनट. सुनो आप तो मुझे जानते ही हो. आप तो जानते ही हो सनी 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 आपका दूर का रिश्तेदार. आंटी जी को मत बताना, मुझे जरा एक्सेस दो बाथरूम का. This is wrong. मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नया बाथरूम मिला है ब्लू टीम को, ये बाथरूम मैं खुलवाऊँ. मैं लेके आई हूँ मेरे साथ, क्योंकि हम को टीम ऑरेंज को बोला गया था कि हम ये बाथरूम धोएंगे अगर हमने एज अ पनिशमेंट, बिकॉज जेलर साहब के अनुसार हमने टास्क को लूज़ किया था. टास्क को हम नहीं मानते, हमने लूज़ किया है, मगर बिकॉज हम जेलर के जेल में हैं और हमें कोई सज़ा नहीं चाहिए, हम ये बाथरूम को धोना चाहते हैं. सो दैट हम जब ये बाथरूम धोने जाए तब हम ये बाथरूम को यूज़ कर सकें, सो दैट दोनों टीम को पनिशमेंट मिले. आपने कल मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था, अगर वो आइडिया आप शांति से एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूनिफॉर्म का, तो हम जो लोग हैं डिजिटली ऑपरेटेड लॉक्स डोर्स के पीछे, उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं. मुझे लगा कि हम यूनिफॉर्म लेके रखे और यूनिफॉर्म लेने के बाद सीधा पहन के ये जो लोग हैं जो कैमरा को ऑपरेट कर रहे हैं उनको बेवकूफ़ बनाएं और अंदर जाए, क्योंकि जो लोग कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है टीम ब्लू का बाथरूम है, बस वो सिर्फ ब्लू देखने वाले हैं. अंजलि ने कल ऑरेंज पहन रखा था. यूनिफॉर्म